जय श्री राम। तो दोस्तों, तेलुगु की मोस्ट अवेटेड मूवी गॉडफादर का फर्स्ट लुक आ गया है। गाइस, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट लुक देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, उसके बाद में ही हम बता पाएंगे कि क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। काफी बढ़िया लग रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल और काफी मतलब जैसे गॉड फादर टाइप, जो इस मूवी का टाइटल है गॉड फादर। तो गाइस, मूवी को देख के यही लग रहा है कि ये एक मतलब डॉन और पॉलिटिकल के बीच में इस टाइप की मूवी होने वाली है। अभी तो गाइस फर्स्ट लुक देखा है, इतना पता नहीं चल रहा है। बट गाइस, जो इसकी बीजीएम है वो काफी कमाल की है। जो इसकी बीजीएम दी है गाइस, वो है एस थामन, जिन्होंने काफी मूवीज में बीजीएम दिया अपना। काफी बढ़िया बढ़िया बीजीएम है गाइस उनका। मैंने लिस्ट तैयार किया, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि बिजनेसमैन आई थी महेश बाबू की, उसमें इन्होंने बीजीएम दिया है। सराय नायडू अल्लू अर्जुन की, उसमें भी इन्होंने बीजीएम दिया है। क्रेक रवि तेजा की, उसमें भी इन्होंने बीजीएम दिया है। आगाडू महेश बाबू की, उसमें भी इन्होंने बीजीएम दिया है। अल्लाह वैकुंठ पर पुरमुलो अल्लू अर्जुन की, गाइस इस मूवी में भी इन्होंने ही बीजीएम दिया है। ब्रूस ली रामचरण है जिसमें, इन्होंने ही बीजीएम दिया है। वकील साहब पवन कल्याण की है, इन्होंने ही बीजीएम दिया है। साथ ही साथ क्रेक विक्रम सर की मूवी है क्रेक, उसमें भी इन्होंने बीजीएम दिया है। तो गाइस, बीजीएम का लेवल तो काफी तगड़ा है। साउथ की मूवीज में बीजीएम काफी बढ़िया होता है। और जो मोहन राजा डायरेक्टर है इस मूवी के, उनकी भी काफी बढ़िया मूवीज आ चुकी है, जैसे कि वेलेकरण और थानी ओरुवानी। गाइस, बीजीएम कमाल का है, डायरेक्टर कमाल के हैं, एक्टर भी गाइस में कमाल के हैं। चिरंजीवी के साथ में हमें नजर आने वाली है नयनतारा, और साथ ही साथ केमियो करने वाले इसमें सलमान खान। तो देखते हैं गाइस किस टाइप की मूवी होने वाली है। अभी तक इसके टीजर ट्रेलर या रिलीज डेट की कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप लोगों को मैं तुरंत ही दे दूंगा। तो गाइस, आप लोगों को ये फर्स्ट लुक कैसा लगा द गॉडफादर का, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए जय श्री राम।